स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है विकास का रिकार्डियन सिद्धांत। ठीक है, रिचर्डन थ्योरी ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट। इससे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, इसमें क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट है। कई सारे मैंने आपको राइटर्स बताए थे, जैसे कि एडम स्मिथ बताए थे, रिकार्डो बताए थे, मॉल्थस बताए थे। तो हमने एडम स्मिथ के बारे में पढ़ लिया है। आज हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे रिकार्डो के बारे में, कि रिकार्डो क्या कहते हैं। रिकार्डो जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पर चार एलिमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं किसी भी उत्पत्ति के साधन के रूप में, तो उसमें एक होती है लैंड। लैंड के लिए आप जो पेड़ करते हो, उसका पारिश्रमिक देते हो, वो देते हो लगान। तो लगान का जो सिद्धांत है वो ज़्यादातर जो फेमस किया गया है, वो किया गया है रिकार्डो के कारण। रिकार्डो ने लगान के सिद्धांत को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से बताया और समझाया है। ठीक है, तो लगान का सिद्धांत अगर कई बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि किसने दिया है, तो आपको याद रखना है कि रिकार्डो ने दिया है। अर्थशास्त्र में रिकार्डो का सबसे बड़ा योगदान विश्लेषण के इंजन का प्रावधान है। विश्लेषण मतलब कि एनालाइज करना किसी चीज़ को। समर्पण या अमूर्त तर्क की तकनीक का उपयोग करके उन्होंने एक कठोर मॉडल का निर्माण किया है। उन्होंने क्या किया है कि अपने जो समर्पण है और तर्क, लॉजिक लगा के एक टेक्निक्स का यूज़ करके उन्होंने एक कठोर मॉडल का निर्माण किया है, जिसमें कुछ चयनित आर्थिक चरों को व्यवस्थित रूप से एक तर्क बनाने के लिए रख दिया गया है। ऐसा सैद्धांतिक मॉडल यह समझाने में मदद करता है कि एक प्रणाली कैसे काम करती है और चर में परिवर्तन प्रणाली के काम को कैसे प्रभावित करता है, कि उसको वह कैसे इफेक्टेड करता है, कि एक वेरिएबल के ऊपर अगर हम इफेक्ट डालें तो उससे दूसरे वेरिएबल कितना इफेक्टेड होता है। होता है ना, आप लोगों को किसी की चीज़ के ऊपर है कि यदि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर चाय के रेट बढ़ा दिए जाएँ तो कॉफ़ी के ऊपर उसका ज़रूर प्रभाव पड़ेगा, लोग कॉफ़ी का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। रिकार्डो ने विकास के किसी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है, उन्होंने केवल वितरण के सिद्धांत पर चर्चा की है। उन्होंने क्या किया है, जो सिद्धांत है वितरण का, जो डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके ऊपर क्या की है, चर्चा की है। यह सिद्धांत सीमांत और अधिशेष सिद्धांतों पर आधारित है। सीमांत सिद्धांत राष्ट्रीय उत्पादन पर आधारित है, इसमें किराए के हिस्से की व्याख्या करता है, और अधिशेष सिद्धांत मजदूरी के मुनाफे के बीच शेष हिस्से के विभाजन की व्याख्या करता है। अब रिकार्डो की हम बात करें कि रिकार्डो क्या कहते हैं, तो उसके बारे में हम आज स्टडी करते हैं। रिकार्डो प्रतिष्ठित विचारधारा के एक उज्ज्वल सितारे के रूप में उभर कर सामने आए हैं, और उन्होंने एडम स्मिथ के विकास के सिद्धांत को एक अच्छे और नए तरीके से विकसित करना तथा पूर्ण किया है। उसके बाद बताते हैं कि इन्होंने कुछ एजम्पशंस भी मानी हैं, जैसे कि जमीन की आपूर्ति तय है उन्होंने बताया है, क्योंकि रिकार्डो जो है, मैंने आपको बताया है कि लैंड से रिलेटेड ज़्यादा बताए जाते हैं। जमीन की आपूर्ति तय होती है, सप्लाई तय होती है, भूमि का उपयोग मकई जो एक आटा आता है आपको पता है, कॉर्नफ्लेक्स के नाम से जिसको जानते हैं, मकई के उत्पादन के लिए किया जाता है, और कृषि में कार्य बल उद्योग में वितरण का निर्धारण करने में भी मदद करता है। घटते हुए रिटर्न पर कानून भूमि पर संचालित होता है। इन्होंने बताया कि मकई की मांग पूरी तरह से अयोग्य होती है। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इन्होंने बहुत फोकस किया है। फिर इन्होंने बताया श्रम और पूंजी परिवर्तनीय इनपुट होते हैं, जो लेबर होता है और कैपिटल होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से चेंजेबल वेरिएबल होते हैं हमारे। पूंजी में परिचालित पूंजी होती है, पूंजी जो होती है वो क्या होती है, परिचालित, ऑपरेटिंग कैपिटल के नाम से हम इसको जानते हैं। कैपिटल क्या होती है, समरूपता होती है। सभी श्रमिकों को निर्वाह मजदूरी का भुगतान किया जाता है, जैसे उन्होंने काम किया, कहते हैं ना लेबर का तो काम ही क्या होता है, डेली का खाना कमाना होता है, तो उन्हें क्या होता है, निर्वाह मजदूरी दी जाती है। तकनीकी ज्ञान की स्थिति भी दी गई है, इसमें क्या हुआ, जो टेक्निकल आपकी जो नॉलेज होती है उसके बारे में बताया गया होता है। सही प्रतियोगिता है, श्रम की मांग पूंजी के संचय पर भी निर्भर करती है, जो हमारी क्या है, श्रम की जो मांग है, जो लेबर की डिमांड होती है वो क्या होती है, डिपेंड करती है रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल के ऊपर। मांग और आपूर्ति मूल्य श्रम की सीमांत उत्पादकता के क्या होते हैं, स्वतंत्र तत्व, एकदम इसके फ्री एलिमेंट्स होते हैं। श्रम की आपूर्ति कीमत दी जा सकती है और निरंतर भी होती है। बात करते हैं कि रिकार्डो और कुछ भी कहना चाहते थे क्या। रिकार्डो ने बहुत चीज़ें बताई हैं, उन्होंने बताया है कि रिकार्डो एक प्रतिष्ठित विचारधारा के तो उज्ज्वल थे ही, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने सच्चा विकासकर्ता भी कहा जाता था, कि उन्होंने जो है डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि आपकी जो बुक है उसका नेम ही आपको पता है
डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो जो हमारे रिकार्डो थे उन्होंने कहा है कि हमें किसी भी इकोनॉमी को अगर डेवलप्ड करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उसके लिए हमें जो हमारी सप्लाई है और डिमांड है उनके बीच का रिलेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रिलेशन हमें प्रेजेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर है इसलिए रिकार्डो को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का सच्चा विकासकर्ता भी कहा जा सकता है। यद्यपि रिकार्डो ने विकास का कोई स्वतंत्र क्रमबद्ध सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है, परंतु उसके विकास संबंधी विचार उसकी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जो उनकी बुक है एक कौन सी, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन जो बुक है, ये नाम पूछा जा सकता है कि रिकार्डो ने जो बुक दी है वो बुक कौन सी है, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, तथा उनके अनेक पन्नों में बिखरे हुए हैं इसके बारे में, टैक्सेशन के बारे में बताया जिन्होंने रिकार्डो ने दूसरे अर्थशास्त्रियों को लिखा था। हम रिकार्डो के इन बिखरे हुए विचारों को एकत्र करके एक सिद्धांत के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में इसको क्या करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं। रिकार्डो का विकास सिद्धांत यह बताने का प्रयत्न करता है कि एक जो डेवलपमेंट कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, उसके लिए हमें एक तरीके से लॉन्ग टाइम चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम में ही हम क्या कर सकते हैं, किसी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम में जो हमारे अदर्स जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम से हम जिनको जानते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट टाइम में आप लोगों को पता है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा ये चीज़ कि जो हमारे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो शॉर्ट टाइम में चेंज होएंगे, पर कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे चेंज नहीं हो पाते हैं, उनके लिए हमें क्या होता है, एक लंबा समय लेना पड़ता है। फिर बात करते हैं कि रिकार्डो के विश्लेषण पर एडम स्मिथ के पूंजी संचय के दृष्टिकोण तथा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बहुत कुछ आता है, तथा माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का गहरा प्रभाव पड़ा है। रिकार्डो के आर्थिक विकास के सिद्धांत के कुछ तत्व हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। यह सिद्धांत यह बताने का प्रयास करता है कि एक विकासशील पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दीर्घकालीन स्थिर साम्य की दशा कैसे प्राप्त कर सकती है, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो दीर्घकालीन साम्य की जो स्थिति है वो कैसे प्राप्त कर सकती है। अब नेक्स्ट में क्या बताया रिकार्डो ने, रिकार्डियन प्रणाली कृषि को अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मानती है। रिकार्डो ने क्या माना है कि अगर हमें किसी इकोनॉमी को डेवलप करना है तो उसे डेवलप करने के लिए जो हमारी एग्रीकल्चर है वो क्या करती है, अपना सबसे जो इम्पोर्टेंट एरिया माना जाता है वो किसे माना जाता है, एग्रीकल्चर को। क्योंकि आपको पता भी होगा कि प्राचीन काल में क्या होता था कि मनुष्य जो पूरी तरह डिपेंड होता था वो किसके ऊपर होता था, एग्रीकल्चर के ऊपर, वो कृषि के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होता था। फिर बताया बढ़ती आबादी के लिए भोजन प्रदान करने में कठिनाई की मुख्य समस्या है। आप लोगों को पता है कि अगर हमारा जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो पाया तो हमारी जो पॉपुलेशन है जो इतनी तेज़ गति से बढ़ रही है, उनको क्या होगा, खाने पीने के लिए भी तरसना पड़ जाएगा। क्योंकि जहाँ पे जितनी ज़्यादा आबादी होगी वहाँ पे जो गवर्नमेंट द्वारा भी सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रही हैं उनकी जो लाभ है वो कम ही लोगों को मिल पाएगा, ज़्यादा लोग उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, ठीक है, या थोड़ी मात्रा में उसका क्वांटिटी में हमें प्रॉफिट गेन करना होगा। बताया रिकार्डो के अनुसार अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं ये पूछा जा सकता है रिकार्डो के अनुसार अर्थव्यवस्था के, तो तीन प्रमुख समूह होते हैं। वे कौन से होते हैं, आप लोगों को पता है, जमींदार कौन लोग होते हैं, जमींदार वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे फार्मर्स वो लोग होते हैं उनको क्या करते थे, अपनी ज़मीन रेंट पर देते थे और उस रेंट के बदले में उनसे क्या लेते थे, वो उसके ऊपर खेती कराते थे और उनसे क्या करते थे, रेंट लेते थे कि फार्मर्स आप इस पर अपनी या खेती कर लीजिए और उसके बदले हमें रेंट पेड कर दीजिए। पर कई बार वो ऐसा नहीं करते थे, कई बार वो रेंट देते थे भी, उन रेंट ना देके उन्हें क्या करते थे, आप खेती करिए और उसमें से हम क्या करेंगे, कुछ फसल आपको दे देंगे, ठीक है, जिससे आपके घर चल जाए। पूंजीपति लोग जिनके पास कैपिटल होती है वो भी एक तरीके से जमींदार के नाम से ही जाने जा सकते हैं, और मजदूर होते हैं जो क्या करते हैं, इनके अंडर में काम करते हुए हमें देखते हैं। फिर है जिनके बीच संपूर्ण उत्पादक भूमि वितरित की जाती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होता है वो क्या होता है, इन लोगों के बीच क्या होती है, बांट दी जाती है और ये लोग ही उसके लिए काम करते हैं। फिर है कि यह पूंजीपति है जो मुनाफे में सुधार करके समाज में आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। जो पूंजीपति लोग होते हैं वही क्या करते हैं, प्रॉफिट गेन करते हैं, और प्रॉफिट गेन करने से जो हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होना शुरू हो जाता है, वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है।
फिर बताया यह पूंजीपति ही होते हैं आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू करते हैं और इस प्रकार पूंजी निर्माण में क्या हो जाती है, जो हमारे कैपिटल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिकार्डो ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि जमींदार, पूंजीपति और मजदूर जो होते हैं हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है उसको बढ़ाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, वो भूमि वितरित करते हैं किसको, किसानों को, और किसान उस भूमि पर क्या करते हैं, खेती करते हैं, खेती करके क्या होता है उसको मंडी में या कहीं अलग जगह सेल करते हैं, सेल करके प्रॉफिट गेन करते हैं, उस प्रॉफिट से वो क्या करते हैं अपना जीवन यापन करते हैं, जिससे जो हमारी अर्थव्यवस्था है वह एक तरीके से सुधर जाती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगला नेक्स्ट टॉपिक में